हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द गॉस एडिट्स। सो कैसे हो सारे, होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे हमसे की तरह। सो रिसेंटली मैंने वाली वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपसे भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने सोचा विंटर के एक और वीडियो लाने तो बनती है, तो और क्या मैं हाजिर हूँ और एक इमेजिन कूल एडिटिंग ट्यूटोरियल के साथ। बस आप वीडियो को बिना स्किप किया लास्ट तक देखते रहना। आप जिस चीजों को भाई कुछ इस टाइप का एडिटिंग करना एंड आपको वीडियो जैसे भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर से करना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड अगर आप इस टाइप क्रिएट करते हो तो मुझे इस टाइप पर टैग करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो चल फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अगर आपको सबसे पहले क्या करना, अपने फोन के अंदर भाई पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। सो मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सआर्ट ऐप को ओपन, एंड जैसे भाई आपके फोन के अंदर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा उसके बाद गाइस आप सभी को वहाँ पे इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना। और हम यहाँ पे जो भी करेंगे इस फोटो के लिए बैकग्राउंड पिन जो वो सारे कहीं आपको मिल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो इस वाले बैकग्राउंड को लाने के बाद आप सभी को ऐड फोटो में चले जाना, और ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप लोग अपने फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर लिया, और ये जो फोटो है इसे मैं पहले से कट आउट कर रखा हूँ, तो अगर आपको कट आउट करने नहीं आता तो ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही है, जाकर आप लोग भी वीडियो देख लेना, आप लोग भाई कट आउट करना सीख जाओगे। तो अपने फोटो को लाने के बाद आप सभी को यहाँ पे करना क्या कि उसे परफेक्ट अच्छे तरीके से बैकग्राउंड के ऊपर पोजिशन दे देना भाई, परफेक्ट सेट कर लेना यहाँ पे। ओके, उसमें यहाँ पे अच्छे तरीके से सेट कर लेता हूँ। जैसे भाई आपका फोटो यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर सेट हो जाएगा उसके बाद आप सभी को सिंपल वहाँ से डन करना। तो इस टाइप से अपने फोटो को सेव कर लेने के बाद, सेट कर लेने के बाद बैकग्राउंड के ऊपर, उसके बाद गाइस आप सभी को फिर से चले जाना ऐड फोटो में। और ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को इस बार दो स्नोफॉल पीएनजी को ऐड करने की है, एक उधर मैंने ऐड रखा। तो इस वाले को लाने के बाद आप सभी को इससे करना क्या कि इस टाइप से जूम कर लेना पूरे फोटो के ऊपर, और उसके बाद गाइस आप सभी को इरेज में जाना और हार्डनेस को कम करना, साइज को अपने हिसाब से रख लेना। और उसके बाद आप सभी को मतलब फेस के ऊपर चेहरे के ऊपर से हल्का सा इरेज करना, हार्डनेस कम रखते हुए इस टाइप से कर लेना भाई, हल्का हल्का इरेज करना। उसके बाद आप लोग इसका ओपेसिटी हल्का सा कम कर देना 85 के आसपास। उसके बाद एक और जो स्नोफॉल पीएनजी इसे लाना और इसे भी स्टेप से जूम करके पूरे फोटो के ऊपर इस स्टेप से इसे भी लगा देना, और लगाने के बाद इसका ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर देना, और उसके बाद सिंपल हम लोग को डन कर देना यहाँ से। सो डन कर लेते हैं, और इस स्टेप से ये दोनों स्नोफॉल पीएनजी को सेट कर लेने के बाद हम लोग को इसके बाद गाइस क्या करना वो आप लोग देख लो। तो इसके बाद हम लोग को फिर से चले जाना भाई ऐड फोटो में, हम लोग को यहाँ पे मैं चला जाता हूँ ऐड फोटो में, एंड ये लास्ट पीएनजी हम लोग का ऐड होने वाला भाई पिक्सआर्ट के अंदर। सो वो है विंटर टेक्स्ट पीएनजी। सो इसे ऐड करने के बाद आप सभी को मालूम भाई कि इसका ब्लेंड मोड को हम लोग स्क्रीन करेंगे। सो इसका ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर लेते हैं और ऊपर की तरफ इसे यहाँ पर सेट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे सेट कर लेते हैं स्टाफ से, और स्टाफ से सेट करने के बाद सिंपल हम लोग यहाँ पे राइट वाला बटन पे क्लिक करके डन कर देंगे। सो कर लेते हैं, और इस स्टेप से करने के बाद गैस हमारा जितना भी स्टेप था हमारा यहाँ पे पिक्सआर्ट के अंदर वो सारा स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इस फोटो को सिंपल ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद सेव कर लेंगे। ओके, सो चले जाते हैं ड्रॉ पे क्लिक करते हैं हम लोग ड्रॉ, एंड उसके बाद भाई थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे इधर और सेव एमएस कर लेंगे। तो जैसे भाई हमारा ये वाला फोटो सेव हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसी फोटो को अपने ओपन कर लेंगे भाई लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। सो हम कर लेते हैं भाई, एंड लाइट रूम के अंदर ओपन कर लेने के बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना वो देख लो। तो लाइट रूम के अंदर अपने फोटो को लाने के बाद आप सभी को यहाँ पे चले जाना कलर वाले ऑप्शन में डायरेक्ट, और यहाँ पे आप सभी को विवरेंस को इंक्रीज करना हल्का सा, कुछ 50 तक रखना, उसके बाद टेम्प को माइनस करना -4 रखना टेम्प को टेम्परेचर। उसके बाद चले जाना हम लोग को मिक्स टूल में, यहाँ पे रेड कलर का सैचुरेशन का हल्का सा माइनस करना। यहाँ पे मिक्स टूल का तो खेल आप सब जान रहे हो भाई कि आपका मतलब आपके फोटो के हिसाब से यहाँ पे होगा, तो आप लोग करना बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर ऑरेंज कलर का सैचुरेशन माइनस करना, लुमिनेशन इंक्रीज करना, जैसे भाई आप सभी का फेस ब्राइट होगा। उसके बाद येलो कलर पर आते हैं हम लोग, और येलो कलर पर आते इसका सैचुरेशन -100 कर देंगे, ग्रीन कलर का भी सैचुरेशन -100 कर देंगे। उसके बाद अक्वा कलर का ह्यू जो है उसको प्लस में हल्का सा रखेंगे, मतलब भाई यहाँ पे 16 और सैचुरेशन हल्का सा इंक्रीज करेंगे। उसके बाद ब्लू कलर पे आएंगे, और इसका जो ह्यू है ह्यू को ह्यू नहीं मतलब ह्यू को माइनस तरफ रखेंगे और सैचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम लोग सिंपल मिक्स टूल से डन कर देंगे। सो डन कर लेते हैं, और ये भाई आप सभी को अपने फोटो के अंदर यूज़ करना ही है भाई, ये वाली इफेक्ट वाले ऑप्शन में आते हैं, और विग्रेट आप सभी को अपने फोटो के अंदर डालना ही डालना, मतलब यूज़ करना ही करना भाई। उसके बाद टेक्सचर को भी निकल करना 6 और क्लैरिटी को भी 6। उसके बाद चले आना फिर डिटेल वाले ऑप्शन में, जहाँ पर आप सभी को शार्पनेस को इंक्रीज कर देना 17, कलर नॉइज रिडक्शन को इंक्रीज कर देना 12, और स्मूथनेस को कर देना आप सभी को फुल, जिससे भाई आप सभी का फेस स्मूथ होएगा। सो ये हो गया। उसके बाद आप सब बिफोर एंड आफ्टर फोटो का देख सकते हो। सो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर गाइस एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। सो काफ़ी अच्छी चमक आ गई भाई हमारी फोटो में। सो गाइस होप करता हूँ आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, तो लाइक जरूर से करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना यार, अगर आप स्टेप क्रिएट करते हो तो मुझे स्टेप पे जरूर से टैग करना। मैं मिलता हूँ फिर किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।